स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। देखो, आज जो टॉपिक चल रहा था वो था एग्जेक्टिव सिस्टम ऑफ वुमन। आज थोड़ा क्लास लेट हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एग्जेक्टिव सिस्टम ऑफ वुमन अर्थात मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। और कल हमने पढ़ा था कि जो अपना एग्जेक्टिव सिस्टम होता है, उस एग्जेक्टिव सिस्टम में जो मुख्य जो ऑर्गन होता है, जो मुख्य जो उत्सर्जी अंग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब किडनी कहते हैं। अर्थात मानव के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, किडनी होती है, जो एक जोड़ी पाई जाती है। तो उस किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। फिर हमने किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी। अब किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात महीन सूक्ष्म नलिकाएँ पाई जाती है, महीन सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएँ पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इनकी संख्या होती है एक वयस्क में 10 से 12 लाख होती है। याद रखना कि एक वयस्क में एक किडनी में, ओनली वन किडनी में 10 से 12 लाख क्या होती है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने बात की थी कि जो नेफ्रॉन यानी वक्रक नलिका या वक्राणु होती है, इसकी संरचना के बारे में। और इसकी संरचना का जब हमने अध्ययन किया तो एक वक्रक या एक जो नेफ्रॉन होता है उसकी संरचना में क्या क्या भाग पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ा था कि भाई सबसे पहले बात की थी मेलपिगी काय होता है, ठीक है। और मेलपिगी काय को दो भागों में बांट रखा था। मेलपिगी काय में दो भाग होते हैं, एक तो बोमेन सबपुट होता है, दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस होता है वही क्या करता है, फिल्टर करने का कार्य करता है, अथवा निस्यंद यानी छानने का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी भित्ति क्या होती है, छलनी की भांति कार्य करती है, ठीक है। जिस तरीके से छलनी से क्या किया जाता है, पदार्थों को छान करके अलग किया जाता है, उसी तरीके से अपने ग्लोमेरुलस की जो भित्ति होती है, जो लेयर होती है, उसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण वो किसकी भांति कार्य करती है, छलनी की भांति कार्य करती है। इसके बाद में हमने बात की थी कि आपके मेलपिगी काय के बाद में जो दूसरा भाग था नेफ्रॉन का, वो क्या था, गिरवा था। फिर गिरवा के बाद में क्या था, आपके जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, हेनले लूप है, दूरस्थ नलिका है, और लास्ट में जो कलेक्टिंग ट्यूबुल है, ठीक है ना। ये सभी भाग किसके थे, आपके नेफ्रॉन के। तो हमने काम क्या कर लिया था कि जो नेफ्रॉन यानी वक्रक नलिका होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे बात करते हैं। देखो, आज बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एग्जेक्टरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि। क्या नहीं है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो एग्जेक्टरी सिस्टम की जो क्रियाविधि है उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एग्जेक्टरी सिस्टम बोल दो या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बोल दो या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, तो अपनी ब्लड से किस प्रकार से यूरिन को अलग किया जाता है और यूरिन को अलग करने के बाद में कैसे क्या किया जाता है, शरीर से बाहर किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन यानी अपने शरीर में यूरिन का निर्माण कैसे होता है, अर्थात मूत्र का निर्माण कैसे होता है, उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात होती है, देखो यूरिया होता है, ठीक है। उस यूरिया का संश्लेषण कौन करती है, यकृत कोशिकाएं करती है। इस बात को याद रखना कि यकृत कोशिकाएं होती है वो किसका संश्लेषण करती है, यूरिया का संश्लेषण करती है, ठीक है। और यहाँ पे यकृत कोशिकाओं द्वारा बनी हुई जो यूरिया होता है उसको किस में कहाँ तक लाया जाता है, किडनी तक आया जाता है। यहाँ पे यकृत कोशिकाओं द्वारा जो बना हुआ यूरिया होता है, ठीक है, उसको कहाँ तक भेजा जाता है, किडनी तक भेजा जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है कि इससे यूरिया युक्त या यूरिन युक्त जो रुधिर होता है उसको, इस यूरिया युक्त रुधिर से यूरिन पृथक करने की जो क्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, यूरिन फॉर्मेशन। अर्थात ऐसा ब्लड जिसके अंदर यूरिया मौजूद हो उस यूरिया को पृथक करने की जो क्रिया होती है, ठीक है, अर्थात उस यूरिया को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो पृथक करने की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं, अर्थात मूत्र निर्माण कहते हैं। तो याद रखना कि अपने
अपने यूरिन युक्त ब्लड से यूरिन को पृथक करने की क्रिया होती है वो आपकी यूरिन फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा टफ भी है। अगर आप ध्यान दे के इधर आप अच्छे से समझोगे तो आपको एक बार में अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यूरिन फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया होती है निम्न चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है ना, अब यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया में सबसे पहला पार्ट होता है प्राणिसंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा पार्ट होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, वर्णात्मक पुनरावशोषण, और तीसरा होता है सेक्रेशन। ठीक है ना, अब सेक्रेशन का मतलब हो गया श्रावण। ये तीन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है यूरिन निर्माण होता है। ठीक है, और यूरिन निर्माण का मुख्य कार्य किसके द्वारा होता है, आपकी किडनी के द्वारा होता है, और किडनी में किसके द्वारा, अपने जो नेफ्रॉन होते हैं उनके द्वारा क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी प्राणिसंदन। ठीक है, तो देखो प्राणिसंदन की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, आपके ग्लोमेरुलस में होती है। कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टोटल डायग्राम है वो बोमेन संपुट का है। किसका है, बोमेन संपुट का। तो आप ऐसा भी कह सकते हो बोमेन संपुट में क्या होती है, प्राणिसंदन की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो बोमेन संपुट के अंदर ही क्या होता है, ग्लोमेरुलस धसा होता है। ये अंदर का जो भाग है वो क्या है, ग्लोमेरुलस है, और ये टोटल कंप्लीट भाग है वो क्या कहलाएगा, बोमेन संपुट कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अपने जो किडनी का जो मतलब जो नेफ्रॉन होता है उस नेफ्रॉन का जो बोमेन संपुट होता है उसी के अंदर क्या दशा होता है, ग्लोमेरुलस दशा होता है। ठीक है, और ये जो ग्लोमेरुलस दशा होता है इसी के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य होगा। ठीक है ना, तो यहां पे बात कर रहा हूं मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि तीन चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात है कि जो नेफ्रॉन में जो बोमेन संपुट होता है, ठीक है, उसकी भित्ति क्या होती है, छलनी की बात अर्थात आप बोमेन संपुट या ग्लोमेरुलस बोल दो, तो ग्लोमेरुलस की जो भित्ति होती है किसकी भांति, छलनी की भांति कार्य करती है। ठीक है ना सर, केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही, पूरन वो थोड़ा बिजी है इस वजह से, और बाकी इतना कुछ पता नहीं, बात होती है उनसे तो बताएंगे आपको कि क्यों नहीं हो रही है केमिस्ट्री की क्लास, इसका सॉल्यूशन जल्दी करेंगे। ओके, बाकी सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका बोमेन कैप्सूल होता है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस की जो भित्ति होती है वो किसकी भांति, छलनी की भांति कार्य करती है। किसकी भांति, छलनी। ठीक है, तो छलनी की भांति कार्य कौन करती है, ग्लोमेरुलस की भित्ति कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अफरनेट एट्रियोल होती है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने दर्शा रखी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी अभिवाही धमनिका है। क्या है, अभिवाही धमनिका। ठीक है, यानी अफरनेट एट्रियोल। ठीक है, ये जो अभिवाही धमनिका होती है ये ब्लड को कहाँ पे पहुँचाती है, ग्लोमेरुलस में। तो याद रख लेना कि अभिवाही धमनिका के द्वारा ग्लोमेरुलस में रुधिर को लाया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात है कि यहाँ पे अफरनेट एट्रियोल होती है, ठीक है, जो अपवाही धमनिका होती है उसके द्वारा उस ग्लोमेरुलस से रुधिर को बाहर किया जाता है। तो याद रखना कि ग्लोमेरुलस में जो रुधिर आता है यूरिन युक्त रुधिर, भाई यूरिया युक्त रुधिर आएगा, और उस यूरिया युक्त रुधिर से ही क्या करना है, यूरिया को पृथक करना है। तो जो यूरिया युक्त रुधिर आता है, ठीक है, वो किसके द्वारा, अभिवाही धमनिका के द्वारा किसमें प्रवेश करता है, अपने जो ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। और जो आपकी अफरनेट एट्रियोल होती है अर्थात जो अपवाही धमनिका होती है उसके द्वारा उस ग्लोमेरुलस से क्या होता है, रुधिर बाहर निकले जाता है। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं कि जो अपना ग्लोमेरुलस होता है इसकी भित्ति जैसे छलनी की बात कार्य करती है, तो इसकी भित्ति में क्या होते हैं कि 0.1 माइक्रोमीटर व्यास के क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि अपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया के बारे में। भाई यहाँ पे टोटल
चल क्या रहा है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अपना जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस पाया कहाँ पे जाता है ये पता होना चाहिए। ग्लोमेरुलस किसका भाग है? बोम्बेन संपुट का। याद रखना पहले जब हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है, तब पढ़ा था कि बोम्बेन संपुट के अंदर क्या दशा होता है, ग्लोमेरुलस दशा होता है। तो जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, इसे ग्लोमेरुलस की जो भित्ति होती है, ठीक है, ये छलनी की भांति कार्य करती है। और इसकी भित्ति में क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर व्यास के क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर व्यास के क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि ग्लोमेरुलस की भित्ति में क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर व्यास के क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और ये छिद्रित झिल्ली के कारण ही क्या होता है कि इसमें पारगम्यता पाई जाती है। भाई ग्लोमेरुलस की भित्ति में क्या होते हैं, ये छिद्र पाए जाते हैं जो असंख्य छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? असंख्य। तो इन असंख्य छिद्रों के कारण ही जो ग्लोमेरुलस की भित्ति होती है वो क्या होती है, पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य, ठीक है। और इसकी पारगम्यता की बात क्या है भाई, ग्लोमेरुलस की भित्ति की पारगम्यता कितनी होती है, किसके बजाय, आपके रुधिर केशिकाओं के बजाय। तो रुधिर केशिकाओं की तुलना में आपकी जो मतलब जो ग्लोमेरुलस की जो भित्ति होती है उसकी पारगम्यता 100 से 1000 गुना अधिक होती है। इस बात को याद रख लेना कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस की भित्ति होती है, ठीक है, इसकी पारगम्यता कितनी, 100 से लेकर के 1000 गुना अधिक, किसकी तुलना में, आपके रुधिर केशिकाओं की तुलना में, की तुलना में, रुधिर केशिकाओं की तुलना में, ठीक है। इतनी ज़्यादा पारगम्यता किसके अंदर पाई जाती है, ग्लोमेरुलस की भित्ति में पाई जाती है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा पारगम्यता किस में पाई जाती है, ग्लोमेरुलस की भित्ति में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बात कर रहे हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया आपके बोम्बेन संपुट के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है उसके द्वारा होता है। और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया में क्या होता है, यूरिन होता है, ठीक है, उस यूरिन को अलग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूरिन को अलग करने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, इस ग्लोमेरुलस की भित्ति के बारे में। और जो ग्लोमेरुलस की भित्ति होती है, ठीक है, उस ग्लोमेरुलस की भित्ति में पारगम्यता क्या होती है, रुधिर केशिकाओं की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक होती है, 100 से 1000 गुना अधिक पारगम्यता किसकी होती है, अधिक पारगम्यता किसकी होती है, ग्लोमेरुलस भित्ति की होती है, ग्लोमेरुलस भित्ति की होती है, ग्लोमेरुलस भित्ति की होती है। 100 से 1000 गुना अधिक पारगम्यता ग्लोमेरुलस किसकी तुलना में, आपके रुधिर केशिकाओं की तुलना में, ठीक है ना। इसके अलावा आगे की बात करते हैं कि आपके जो ये पारगम्यता वाला गुण होता है, इसी के कारण प्लाज्मा में गुले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इस झिल्ली या इस भित्ति से छन करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्लोमेरुलस भित्ति की पारगम्यता के कारण, भित्ति की पारगम्यता के कारण गम्यता के कारण प्लाज्मा में घुलित पदार्थ, प्लाज्मा में घुलित पदार्थ छनकर अलग हो जाते हैं। किसकी पारगम्यता, ग्लोमेरुलस भित्ति की पार, क्योंकि पारगम्यता ज़्यादा है। रुधिर केशिकाओं में भी पारगम्यता पाई जाती है, रुधिर केशिकाओं में भी क्या होता है कि प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा से पदार्थ छन करके अलग होते हैं रुधिर केशिकाओं से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुधिर केशिकाओं से ज़्यादा पारगम्य क्या होती है, ग्लोमेरुलस की भित्ति होती है, वो भी कितना, 100 से 1000 अधिक गुना होती है। और इस पारगम्यता के कारण प्लाज्मा में जो घुलित पदार्थ है वो क्या होते हैं, छन करके अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे
जो अभिवाही धमनी का होती है, ठीक है, अर्थात जिसे हमने क्या कहा था कि एफर्नेट एट्रियोल होती है, अर्थात अभिवाही धमनी का होती है, ठीक है, उसका व्यास अपवाही धमनी का की तुलना में अधिक होता है। इस बात को भी याद रख लेना कि अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनिका की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। अब याद रख लेना कि जो अभिवाही कौन सी होती है, जो ग्लोमेरुलस में रुधिर को लाती है, पर रुधिर है ग्लोमेरुलस में आएगा तभी तो रुधिर से यूरिया जैसे पदार्थ छन करके अलग होंगे, तो यहाँ पे जो रुधिर यूरिया युक्त जो रुधिर है वो अभिवाही धमनिका के द्वारा ग्लोमेरुलस में आएगा, फिर ग्लोमेरुलस की भित्ति में असंख्य छिद्र होते हैं, ये असंख्य छिद्र क्या होते हैं, पारगम्यता का गुण दर्शाते हैं, जिसके कारण ब्लड के अंदर से यूरिया जैसे पदार्थ छन करके अलग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के याद रखना है कि अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही जो वापस इस ग्लोमेरुलस से वापस निकलने वाली जो धमनिका होती है उससे क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी अभिवाही धमनिका होती है इसमें रुधिर तेज गति से आता है लेकिन बाहर निकलते समय कम गति से निकलता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे याद रखना कि इसके अंदर अब ग्लोमेरुलस के अंदर जो रुधिर आता है वो तेज गति से आएगा लेकिन बाहर निकलने के समय क्या होता है, ये कम गति से निकलता है, ठीक है, ये बातें हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो आपकी जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या लगता है, दाब लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लगने वाला दाब होता है उस लगने वाले दाब के कारण ही क्या होता है कि यहाँ पे निस्संदन की क्रिया होती है, अर्थात जो निस्संद पदार्थ होता है, जो प्लाज्मा रुधिर प्लाज्मा से छना हुआ पदार्थ होता है वो अलग होता है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं, अर्थात निस्संदन की क्रिया कैसे होती है, ठीक है, अर्थात कौन सा दाब काम करता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि अब एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस में जितना रुधिर आता है, ठीक है, उसका दाब कितना होता है, 70 mmHg होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना कि जब ग्लोमेरुलस में रुधिर प्रवेश करता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस में क्या प्रवेश करता है, रुधिर प्रवेश करता है, उसका व्यास होता है 70 mmHg होता है, कितना होता है, 70 mmHg होता है, हाँ सर, चौमू तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई ग्लोमेरुलस की भित्ति पर लगने वाले दाब के बारे में, तो ग्लोमेरुलस की भित्ति पर क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो रुधिर आता है, ठीक है, उसके द्वारा जो रुधिर के द्वारा जो दाब बनता है उसका मान होता है 70 mmHg होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में जो और विस्तृत जानकारी है कल पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसी टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो टेक्निकल इश्यू की वजह से ये क्लास रोकी जा रही है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, धन्यवाद।